कई बार दोस्तों आपने देखा होगा एक्सेल वर्कबुक बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अगर वर्कबुक में हो लाखों रिकॉर्ड्स जिनमें बहुत सारे हैवी फॉर्मूलेज का यूज किया गया हो, मैक्रोज का यूज किया गया हो, पिक्चर्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स का यूज किया गया हो, तो वर्कबुक बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। कई बार वर्कबुक को ओपन होने में 10 से 15 सेकंड तक का समय लग जाता है, और जब वर्कबुक ओपन हो जाती है, ज्यादा डाटा होने के कारण ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में भी थोड़ी थोड़ी वर्कबुक कई बार हैंग हो जाती है, जिससे हमें होती है इरिटेशंस। ठीक है, दूसरा क्या है, जब वर्कबुक के अंदर डाटा होगा बहुत ज्यादा, तो वर्कबुक का जो मेमोरी साइज है वो भी अक्सर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हम अपनी एक्सेल फाइल को आसानी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को मेल नहीं कर सकते, या किसी अदर माध्यम से हम अपनी फाइल को शेयर नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मैजिकल छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप मेमोरी साइज को 4 गुना कम कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे जो ये फाइल है, ये वर्कबुक, इसका साइज है 17 MB। तो इसका जो साइज है उसको हम लगभग 4 और 5 MB तक कम कर सकते हैं, और इसको ओपन होने में अगर टाइम लग रहा 10 सेकेंड, तो हम इसको 1 सेकेंड में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप देखिए ये ओरिजिनल फाइल है, और ये मैंने इसका जो साइज है उसको कम करके और इसको फास्ट बना दिया है। इसका साइज आप देख सकते हो 4 MB इसका साइज है। ठीक है, 4.29 MB इसका साइज है, और अगर इसको ओपन करेंगे तो ये इससे बहुत ज्यादा जल्दी ओपन हो जाएगी। ये दोनों फाइल ओपन होती हुई स्क्रीन पे आप देख सकते हो किसमें कितना टाइम लग रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है दोस्तों, मिस नहीं करना है, क्योंकि एक्सेल के अंदर हम बहुत सारा डाटा ही स्टोर करते हैं। तो अगर आपको एक्सेल में बिग डाटा मेंटेन करना है और या मेंटेन किया हुआ है, तो आपको वहां पे ये समस्या होती है फाइल का साइज ज्यादा है या फाइल स्लो ओपन होती है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो ये है दोस्तों मेरे पास नॉर्मल वर्कबुक, जिसका साइज आप चेक करोगे तो यहां पे साइज है 17.7 MB। ठीक है, अभी मैं इस वर्कबुक को ओपन करूंगा। ओपन होने में देखिए यहाँ पे अभी काफी समय लगेगा, है ना। हमें एक छोटी सी ट्रिक है जिसका यूज करना है, एक ही ट्रिक से साइज भी कम हो जाएगा मेमोरी साइज, और इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे अभी ये ओपन हो गई। ठीक है, बस हमें करना क्या है, इसी वर्कबुक को सेव एज करना है। तो यहाँ फाइल पे जाइए, सेव एज पे क्लिक कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। मैंने यहाँ पे, मैं उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी पहले वाली जो ओरिजिनल फाइल है, नॉर्मल वर्कबुक वो सेव है। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए, मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया फास्टर वर्कबुक। ठीक है, बस नीचे से आपको यहाँ सेव एज टाइप से इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। अब बाइनरी फॉर्मेट कंप्यूटर का सबको पता होगा दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 1010। ठीक है, तो हमने यहां से एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। बस सेव कर दीजिए इसको। ठीक है, ये वर्कबुक मैंने सेव एज कर दी एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में, और इसको आप कर दीजिए क्लोज। और ये देखिए ये फाइल आ गई, इसका साइज चेक कर सकते हो आप। ये देखिए इसका साइज कितना आ रहा है, 4.29 MB। ठीक है, हो गया ना साइज कम। इसको अगर ओपन करोगे तो ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी इस वाली फाइल से, है ना। तो ये देखिए ये फाइल हो गई ओपन। इसमें रिकॉर्ड आप देख सकते हो कितने रिकॉर्ड है, 4 लाख से ज्यादा इसमें जो है रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो एक्सेल फाइल को बाइनरी फॉर्मेट में सेव करके। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल का साइज लगभग 4 गुना से ज्यादा कम हो जाएगा और स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। अभी जो आपकी स्पीड है वो अच्छी स्पीड से काम करेगी, हैंग नहीं होगी, मेमोरी साइज कम ही होगा, आसानी से शेयर कर सकते हो। और इस एक्सेल बाइनरी फॉर्मेट में आप कुछ भी कर सकते हो, नॉर्मल एक्सेल ही है, सेव करने का तरीका बस अलग है।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ज्यादा जानना है एक्सेल बाइनरी फॉर्मेट के बारे में तो आप गूगल पे सर्च कीजिए और वहां से आप इसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इसका आप यूज कीजिए और कोई भी समस्या है मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपको हमारा चैनल करना होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, एडवांस सीखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।